आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लास शिवनाथ कुमार सुमन में आपके लिए हम सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। आइए साथियों पूरा वीडियो को देखिएगा, अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। 2022 के एग्जाम को देखते हुए हमने आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लाया है जिसमें 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आइए देखते हैं साथियों, मैं शिवनाथ कुमार आपसे। आइए, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? वैश्वीकरण के मुख्य चार अंग होते हैं। पूछेगा वैश्वीकरण के कितने अंग है, तो चार अंग है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय आरबीआई बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई। पूछेगा आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पूछेगा आरबीआई को क्या कहा जाता है, तो इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। सभी बैंक की मालिक आरबीआई होते हैं। आइए, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई। कहाँ से हुई? राजस्थान से हुई, और यह 2005 में लागू हुआ। इससे किसी भी तरह की कागजात को हम मांग सकते हैं, किसी से भी। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में। पूछेगा वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है साथियों? जेनेवा है। कहाँ पे है साथियों? जेनेवा में है। छठा नंबर क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। कहता है भारत में जो है ना, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है कहाँ पे? पंचायती राज व्यवस्था में। पंचायती राज व्यवस्था में कहाँ पे आए? पंचायती राज व्यवस्था में। कितना प्रतिशत पहले था? 33%। अभी है पंचायती राज व्यवस्था में 50% जो है महिला के लिए आरक्षण है। आइए, बाढ़ के समय मनुष्य को कहाँ जाना चाहिए? जब बाढ़ आता है ना, तो मनुष्य को कहाँ जाना चाहिए? घर में रहना चाहिए, मैदान में भागना चाहिए? नहीं, उसे उच्च भूमि पर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए बाढ़ के समय मनुष्य को? उच्च भूमि पर जाना चाहिए। अब कहता है किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? तो कोसी होता है। क्या कहता है? कोसी को कहता है बिहार का शौक नदी कहता है। क्यों? क्योंकि इसके ये मोड़ बदलने में बड़ी माहिर है, ठीक है, इसलिए बिहार कभी यहाँ पानी कमी नहीं होता, इसीलिए बिहार के कोसी नदी को शौक कहा जाता है। मतलब किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? कोसी को, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? 1995 में। कहता है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? तो 1995 में। अब दसवां नंबर क्वेश्चन पाइए, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है? बहुत सारे होंगे आपको प्राकृतिक आपदा है, बाढ़, सुनामी, भूकंप, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है। और क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक मानवीय आपदा नहीं है? मानवीय आपदा जो मानव के द्वारा घटित होता है वो मानवीय आपदा होता है, और जो प्राकृतिक के द्वारा घटित होता है उसे हम लोग प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। आइए, कहता है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्ष है। कितना है? 5 वर्ष के बाद फिर चुनाव होता है। सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1857 में। पूछेगा सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1857 में। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई? 1929। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई? 1929 ईस्वी में। साथियों पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक दोनों कर दीजिएगा, और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? पूछा बीवीआई क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917। प्रत्येक साल क्वेश्चन देखते हैं, पूछता है एग्जाम, प्रत्येक साल देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। हीराकुंड बांध है ओडिशा में, कहाँ पे स्थित? हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? ओडिशा में। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है दिल्ली में। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध कहाँ है? दिल्ली में।
बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना। बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना। अब आइए अगला नंबर क्वेश्चन पे, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। संघ सरकार, ये भी बीबीआई क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो कुशेश्वर स्थान जो है ना दरभंगा जिला में स्थित है। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? दरभंगा जिला में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? मतलब साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। अगला क्वेश्चन, रक्त एवं लोह के नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, रक्त एवं लोह के नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। आइए क्वेश्चन नंबर 22 में, भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है किसे कहा जाता है? कब से कब तक होता है सत्र? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। जैसे इस अप्रैल में 1 अप्रैल को शुरू हुआ कोई वित्तीय वर्ष, तो अगले साल 31 मार्च तक जाके खत्म हो जाती है, पुनः अगला 1 अप्रैल से शुरू होगा। कहता है भारत कब आजाद हुआ था? भारत कब आजाद हुआ, मतलब हमारा देश जो है ना वो कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। पूछेगा बांग्लादेश का गठन कब हुआ? 1971 में। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ। कहता है संविधान कब लागू किया गया? संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान सभा के प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपसे पूछा जा सकता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। धन्यवाद साथियों, आशाएं करते हैं, उम्मीद करते हैं आप इसको समझे होंगे। एक बार पुनः इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद। तब तक थोड़ा हम साइड हो जाते हैं और आप इसका पुनः एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद साथियों, ले लिए होंगे। आइए साथियों, आपके लिए डेली इस टाइम में हम इस सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे और आप लोग जरूर वीडियो को देखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लाइक करने से मोटिवेशनल मिलते हैं हमें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।